हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। खान्स किचन ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत। उम्मीद आप लोग सब खैरियत हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैरियत रहे, मैं भी खैरियत हूँ। तो आज की रेसिपी है मेरी बैंगन आलू की, नए तरीके नए स्टाइल की। तो आप लोग चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। हमने बैंगन तीन, आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा ले सकती है, मेरे पास तीन रखे थे बैंगन, तुमने तीन ले लिए। और कम से कम 400 ग्राम हमने आलू लिए हैं, और 2 प्याज की आड़ी ली है, 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 टमाटर लिया और लहसुन लिया है 1 आड़ी, और आधा टुकड़ा अदरक का। तो इसको हम अब काटेंगे। तो देखिए हम किस तरह से काटते हैं, इस तरह से काटना, गोल गोल, ना मोटा ना पतला, मीडियम साइज का। जो बैंगनों को हमने इस तरह से काट लिया है, देखिए ना मोटा है ना पतला है, तो इस तरह से हमने काट के रख लिया। अब एक हमने लिया है बॉल, बॉल में है पानी, तो इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे नमक, क्योंकि बैंगन काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम उसको पानी में डिप करेंगे। आप चाहें तो आलूओं के बाद में काटें, मैंने पहले काट लिया, तो इसको ऐसे डिप कर दे रहे हैं। अब काटेंगे हम आलू, आलू को भी हम बैंगनों की तरह ही गोल गोल काटेंगे। तो पहले आलू को छील और काट लें। तो देखो आलू मेरे कट गए हैं बिल्कुल बैंगन की साइज में, जैसे हमने बैंगन काटे थे वैसे हमने काटे हैं। तो इनको भी हम पानी में डाले दे रहे हैं, तो आलूओं को भी हमने पानी में डाल दिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी रखी हैं कटी हुई। अब हम काट लें प्याज, जैसे हमने आलू और बैंगन काटे थे छल्ले वाले, तो वैसे हमने ये भी काट लिए हैं। तो इसको हम रखे दे रहे हैं साइड में काट के, सारी चीज़ों को इसको भी हमने कट करके रख लिया। टमाटर काट लिए, प्याज काट ली चॉपर वाली, ये अदरक काट ली है, हरी मिर्ची 3 काट ली, और लहसुन छील के बहुत सारा हमने रख लिया है, क्योंकि बैंगनों में लहसुन बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़्यादातर छील सकते हैं। मैं अपने सब्जी के हिसाब से छील लिए। अब जा रहे हैं बैंगनों को और आलू को अच्छी तरह 3 पानी से हम धो लें जाके, और धोने के बाद इसे सूती कपड़े से इसे पोंछ लें। कढ़ाई को रख दिया हमने गैस के ऊपर गर्म होने के लिए, तब तक हम अपने बैंगन आलू को सूती कपड़े से पोंछ लें। बैंगन को हम कपड़े के सहारे से इसको पानी इसका सोखे ले रहे हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसको देखो इस तरह से सोख लिया है पानी ने। आलू को भी हम इसी तरह से ऐसे, तो आलू मेरे के पानी सूख गया है, तो अब चल रहे हैं इनको फ्राई करने के। तो आलू बैंगन को कपड़े से हमने अच्छी तरह से पोंछ लिया। अब डाल रहे हैं 150 ग्राम सरसों का तेल फ्राई करने के लिए। कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी तरह से गर्म भी हो चुकी है, देखो साथ में तेल गर्म होता जा रहा है तेल डालते हुए। तो हमने 150 ग्राम तेल डाल चुके हैं, तेल तो अच्छी तरह से खूब गर्म हो गया है। पहले हम बैंगन को फ्राई करेंगे, नहीं तो ये रखे रखे और काले हो जाएंगे, क्योंकि पानी से निकाल चुके हैं। तो सारे बैंगनों को हम तेल में डाले दे रहे हैं एक साथ में, आपके ज़्यादा हो तो 2 बार में फ्राई करना, मेरे थोड़े बैंगन हैं इसलिए हम 1 बार में ही डाले दे रहे हैं। तो इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। बैंगनों को डाल के अब हम इसे उलट पुलट करेंगे, क्योंकि इनका हमें कलर ब्राउन चाहिए, और हाई फ्लेम में इसे सेकना है, तो जल्दी से ये ब्राउन हो जाएंगे। तो देखो हल्का हल्का कलर इनका चेंज होने लगा है, हमें जब तक इसके फ्राई करना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो, तो हम कम से कम 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करते रहेंगे, बराबर इसको इसी तरह से चलाते भी रहेंगे, नहीं तो ऊपर वाले कच्चे रह जाएंगे फ्राई में, नीचे वाले ब्राउन हो जाएंगे, इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। तो हमारे ये बैंगन फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसको निकाले ले रहे हैं प्लेट में। तो इस तरह से सारे बैंगनों को हम निकाल ले रहे हैं। बैंगन फ्राई होकर हमने अलग प्लेट में कर दिया। अब डालेंगे हम आलू, उसी तेल में हम आलू डाल दें फ्राई करने के लिए। तो आलू हम 2 बार में फ्राई करेंगे, कि आलू हमारे ज़्यादा हैं तो इनको भी हमें ब्राउन करना है कम से कम 1 से 2 मिनट तक। तो आलू को भी हमें ऊपर नीचे करना है, इसे हिलाते डुलाते रहिए, बराबर से आलू फ्राई हो।
अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में। तो हम आपके लिए नई नई डिशें लाते रहेंगे। बहुत मेहनत पड़ती है नई नई रेसिपी बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो इसी तरह हम अब आलू फ्राई करके निकाले ले रहे हैं और हल्के फ्राई हो जाएं। आलू हो गए हैं फ्राई तो अब इनको हम निकाले ले रहे हैं बर्तन में। गोल हो जा रहे हैं, सरक जाते हैं, तो सारे इसी तरह से हम निकाले ले रहे हैं। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, अब डालेंगे हम प्याज। फ्राई करने के हम डाल लें प्याज। प्याज को भी हमें फ्राई करना है सिर्फ एक मिनट के अंदर ही है। प्याज मेरी फ्राई हो जाएगी तो इसको भी फ्राई कर लें। प्याज भी ब्राउन हो गए तो इसको भी हम प्लेट में निकाले ले रहे हैं। तो आलू बैंगन और प्याज के हमने कर लिया फ्राई, तो अब चल रहे हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक भर के चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच हमने मेथी ली है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और दो चुटकी हमने हींग ली, एक हमने सूखी मिर्च ली। तो इसको हम डाल रहे हैं गर्म तेल में जिसमें हमने फ्राई किया था। तो मेरा तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो इसी में हम खड़े मसाले चटकने हुए दे रहे हैं। तो इसी में हम बहुत सारा लहसुन डाल रहे हैं, बैंगनों में लहसुन बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। हमने एक आड़ी पूरी ली है, इसको हमें अच्छी तरह से ब्राउन करना है लहसुन को, और इसी में कटी हुई प्याज चॉपअप ये देखो वो भी हम डालेंगे, इसको भी हमें ब्राउन करना है। ऐसे ऐसे बातें बातें इसको कलर चेंज करना है। तो इसका देखिए हल्का कलर चेंज हो गया, तो इसमें हम चॉपर करी हुई अदरक डाल लें। तो इसको भी हम दो एक मिनट के लिए इसी तरह से चलाते रहेंगे कि अदरक हमारी गल जाए, मुँह में ख़राब ना लगे। और प्याज और लहसुन भी है, प्याज लहसुन दोनों चीज़ें हमारी ब्राउन होने लगी हैं, तो कितनी अच्छी तरह से अदरक लहसुन और प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। तो इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर एक कटा हुआ, इसको अच्छी तरह से हमें एक मिनट के लिए पकाना है। तब तक हम निकाले ले रहे हैं इस चीज़ के मसाले। तो हमने लिए एक कटोरी है, तो कटोरी में डालने हैं आधा कप पानी। तो इसमें अब डालेंगे एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच से कुछ कम मिर्चा पिसी हुई, आपके पास अगर कुटी हुई तो कुटी डाल दें, एक भर के चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, सौंफ खड़ी, कुटी हुई साबुत धनिया, कसूरी मेथी। तो इन चीज़ों को अब हम चलाए ले रहे हैं। तो देखिए हमारा मसाला ये कितनी अच्छी तरह भूनने लगा है, इसका कच्चापन भी जा रहा है, तेल भी छोड़ दिया मसाले में। अब इसमें हम डाल रहे हैं एक भर के चम्मच, अपने स्वाद अनुसार जितनी आपकी सब्जी होती है हिसाब से नमक डालिएगा, और हम डाल रहे हैं इसमें कटी मिर्च जो तीन हमने काटी थी उनको भी हम डाले दे रहे हैं, और इस तरह से फिर हम चलाए दे रहे हैं। तो मेरा मसाला भूनने लगा, इसको तेल भी छोड़ने लगा, तो इसको अभी एक दो मिनट के लिए अभी और भूनेंगे, बिल्कुल ये कस जाएगी तब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। ये मसाला भून गया है, तो मसाले में तेल भी छोड़ दिया है, अब इसमें डालेंगे जो हमने सब्जियाँ फ्राई करी थी बैंगन आलू, तो उसको डाल दें, फिर इसको हम दो मिनट के लिए कसेंगे। डाल दिए हैं, डालने हैं आलू, तो अच्छी तरह से हम मसाले में
मिला लें। तो इस तरह से हमको कम से कम 2 मिनट तक के इसको इसी तरह से पकना है सब्जी को। तो इसका कलर टेस्ट बिल्कुल अच्छा आएगा। तो इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और सब्जी को हमने माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से कसा है। ये देखो हल्की हल्की तले में लगने भी लगी है। तो सब्जी कस गई। तो अब लगाने की आई बारी पानी की। तो इसमें हम 1 कटोरी भर के पानी लगाएंगे। आप अपने हिसाब से लगाइए। अगर आप सूखी खाएं तो पानी कम लगाएं। मेरे यहाँ थोड़ी सालन दाल वाली खाई जाती तो मैं सालन तरह कर रही हूँ और इसी में ये गलेगी सब्जी। तो अगर आप सूखी खाएं तो अपने सूखी के हिसाब से ही हल्का पानी लगाएं। तो अब हम इसको कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आलू को गलने के लिए छोड़ दें। तो देख लें कितनी अच्छी दिखने में लग रही है। अभी भी 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे सब्जी को पकने। तो सब्जी में फदक आने लगी है, हल्का हल्का बबल से ऐसे बन रहे हैं। तो अब लगा दे रहे हैं हम ढक्कन। अब ढक्कन पकाएंगे कम से कम 5 या 10 मिनट तक। तो एक बार हम चेक कर लें और चला दें ऊपर नीचे कर दें सब्जी को। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी बढ़िया तरह से पक रही है। ये देखो तो हमने एक बार इसको चला दिया, फिर इसको ढाँक दें। अभी 5 मिनट हुए हैं, थोड़ा इसका पानी चलाएँगे। इसी के संग में आलू भी थोड़े टटसे हैं तो गल जाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद करे दे रहे हैं। तो हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब खोले हैं ढक्कन। जो हमने प्याज फ्राई की थी अब उसको ऊपर से हम डाल रहे हैं। पहले मत डालना, बाद में डालना। तो मैं बाद में डाल रही हूँ। तो सारी प्याज फ्राई करी हुई हमने डाल दी। अब इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। तो देखिए ठंडा होने के बाद सारा तेल ऊपर आ गया है। कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है। तो ऊपर से डालें हम गरम मसाला 1/2 चम्मच और उसके ऊपर से डालेंगे कटी हुई धनिया। डाले दे रहे हैं। तो इसको एक बार हम चला दें ऊपर नीचे कर दें। ये देखो, तो ये देखो मेरी लगी लिट्टी सब्जी बनी है। ना ज़्यादा में सालन है और ना ज़्यादा सूखी है। तो ये देखो कितनी बढ़िया दिख रही है बनने में। तो अब जा रहे हैं प्लेट में सर्व कर लें। तो प्लेट में हमने सर्व कर ली। अब ऊपर से कटी हुई धनिया डाले दे रहे, दिखने में जो अच्छी लगे। तो आप लोग बताइए कमेंट में मेरी बैंगन की सब्जी कैसी लगी है। इसके ऊपर से रख दिया मैंने हरा मिर्चा, तो इसका देखने में लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो माशाल्लाह से देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही, बहुत टेस्टी और बहुत जायकेदार बनी है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना नई स्टाइल की मेरी ये रेसिपी बैंगन आलू की सब्जी टिक्के वाली। तो बहुत पसंद आएगी बच्चे बूढ़ों सबको साथ। और नमक के पराठे के साथ खाइए, चाहे पूड़ी के साथ खाइए, चाहे रोटी या चावल के साथ। मैंने मिली जुली सब्जी बनाई, ना ज़्यादा इसमें सालन है और ना ज़्यादा सूखी है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये नई स्टाइल की मेरी रेसिपी। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप लोगों को चेक करके दिखा दें कि आलू देखो कितने अच्छे से मेरे गल गए हैं। ये देखिए देखिए, और बिल्कुल बैंगन अलग हैं, आलू अलग हैं, सालन और बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से आप ज़रूर सब्जी ट्राई करना। तो चल रहे हैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए। तो मैंने बैंगन आलू की सब्जी बनाई है टिक्के वाली फ्राई करके। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है रेसिपी की तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगले ब्लॉग में मिलूंगी नए रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।